गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों आज हम बसंत का पहला पाठ पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बसंत पुस्तक का पहला लेसन पढ़ेंगे और इस लेसन में एक कविता है जिसका नाम है ध्वनि। इस कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और इस कविता में वो क्या कहते हैं ये सब हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो बहुत ही छोटी कविता है लेकिन बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली कविता है। चलिए शुरू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं। यस सर। यस सर। अभी न होगा मेरा अंग। कवि कहते हैं अभी न होगा मेरा अंग, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में बंदोबस्त। अभी न होगा मेरा हरे हरे ये पार्क, डालियां कलियां कोमल पार्क, मैं ही अपना स्वप्न मजबूत कर फेरूंगा निर्भित कलियों पर, जगह एक पुरुष बनूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहस सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर हमे मेरे जहां अभी होगा मेरा अभी होगा। देखिए ये छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनकी कविताओं की खास बात ये होती है कि बड़ी अभिव्यंजक होती है। व्यंजना शब्द शक्ति से परिपूर्ण होती है। व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब ये होता है कि पाठक जैसा होगा यानी कविता को पढ़ने वाला जैसा होगा वह अपने अनुरूप इसका अर्थ निकाल देगा। अगर एक विद्यार्थी है तो अपने अनुरूप निकालेगा, कोई बुजुर्ग है तो अपने अनुरूप निकालेगा, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, कोई सैनिक है, जो जिस क्षेत्र में है हर व्यक्ति उसको अपने अनुरूप इसका अर्थ निकालेगा। तो कवि ने किस अर्थ में निकाला है और एक विद्यार्थी के लिए कैसे प्रासंगिक हो सकता है इस सब की भी हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कवि। कवि कहता है अभी न होगा मेरा अंग, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में बंदोबस्त, अभी न होगा मेरा अंग। कवि कहता अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अंत यानी समाप्ति, क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदु बसंत, यानी मेरे वन में मृदु बसंत आया है, कोमल बसंत आया है। और मृदु बसंत आने का मतलब जैसे देखा होगा तो आपने कि वन में बसंत ऋतु आती है तो वन में चारों तरफ फूल है, पौधे हैं, कलियां है ना, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। तो बसंत जैसे ही आता है वन में तो क्या उसका अंत का सूचक होता है? नहीं, वो तो प्रारंभ का सूचक होता है, शुरुआत का सूचक होता है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर है? आपका नेटवर्क खराब है बेटा, इसका भी क्लियर नहीं आ रही, अपना नेटवर्क चेक करो, हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस तरीके से वन में बसंत आता है तो वन की शुरुआत होती है, तो कहता है कि मेरे मन में भी नई नई चीजें आई है, नए नए विचार आए हैं, नए नए उमंगे आई है ना, नए नए कुछ कार्य करने की सदिच्छा जागृत हुई है, ये मृदु बसंत का मतलब है। तो इसीलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हरे हरे ये पात, गुड मॉर्निंग सर, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल दार, मैं ही अपना स्वप्न मंजिल कर फेरूंगा। अब देखिए यहाँ पर केवल वन की बात नहीं हो रही, वन तो एक प्रतीक, जंगल का प्रतीक है। कवि कहता है अपनी क्षमता के बारे में, मेरी क्षमता क्या है, क्या मैं जो अभी अभी जो कविता करने के मेरे मन में विचार आए हैं, मैं अच्छी अच्छी कविताएं लिखूंगा और अपनी कविताओं से इस संसार में इस लोक में लोगों में एक नई उमंग भर दूंगा तो कैसे भरूंगा। जैसे कहते हैं हरे हरे ये पार्क, अब वन में जंगल में देखते हैं तो पत्तियां होती हैं, डालियां होती हैं, कलियां होती हैं, कोमल कोमल उनके शरीर होते हैं, लेकिन कभी कभी हाँ मतलब है कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो पत्ते के समान है, डालियों के समान है, कलियों के समान है और कोमल दांत यानी छोटे बच्चों के समान है। तो कहते मैं ही अपना स्वप्न मंडूक हूँ, मैं ही अपना स्वप्न रूपी कोमल हाथ इन डालियों कलियों पर फेरूंगा, इन पर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, यानी जो सोई हुई है, अलसाई हुई है, और उनमें एक प्रत्युष मनोहर जगा दूंगा, मनोहारी यानी मन का हरण करने वाली उषा, उषा यानी सुबह, एक ऐसी सुबह जिस बड़ी मनोहर सुबह इसमें मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो उनके अंदर मैं एक प्रत्युष मनोहर जगा दूंगा। अब भाव समझिए इसका, निद्रित कलियों का मतलब आलसी लोग, नाकारा लोग, ऐसे लोग जिन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे लोगों पर कभी कहता है कि मैं स्वप्न मृदुल कर, यानी अपने गीतों द्वारा, अपनी कविताओं द्वारा, प्रेरणा गीतों द्वारा, प्रेरक प्रसंगों द्वारा उनके मन में एक ऐसा जोश भर दूंगा, एक ऐसी इच्छा शक्ति भर दूंगा कि वो अवसाद से दूर हो जाएंगे, कष्ट से दूर हो जाएंगे, दुख से दूर हो जाएंगे और उनके मन में आशा का एक नया संचार होगा। जैसे सुबह होती है ना तो मन में आशा का नया संचार होता है, उसी प्रकार से इन निर्मित कलियों पर मैं एक आशा का नया संचार करूंगा। चलिए ठीक है, कई लोग हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ एक और पूछना चाहते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है? यस सर, पूछ लो। यस सर, व्याकरण में, व्याकरण हिंदी की कॉपी में ही लिखना है व्याकरण का जो आपने लिखवाया था? इन सारे प्रश्नों का उत्तर बेटा हम बाद में देंगे, अभी पाठ से संबंधित कोई चीज अगर आपके मन में आए तो सर। चलिए, तो यहाँ पर एक बार ऊपर से ये जो कविता है इसका अर्थ मैं एक बार संक्षेप में बताऊंगा कि आप लोग पढ़ेंगे। कवि कहता है कि अभी मेरा अंक नहीं होगा क्योंकि अभी अभी मेरे मन में कुछ करने की इच्छा जागृत हुई है, और वह इच्छा ये है कि जितने भी आलसी लोग हैं, नाकारा लोग हैं, जो अपने कर्तव्य पद से विमुख हो गए हैं, उन सबको मैं अपने प्रेरक गीतों द्वारा उनमें प्रेरणा का, आशा का संचार करूंगा ताकि वह हमारे देश का और हमारे समाज का भविष्य बन सके। ये कवि का भाव है, ठीक है। अब विद्यार्थियों के रूप में देखें तो आप कैसे कह सकते हैं अपने पसंद की बोल? आप कहेंगे कि अभी अभी तो हमारा अंत नहीं होगा, कि अभी अभी तो हम कक्षा 8 में आए हैं और ये जो हमारी पुस्तकें हैं, चाहे हरे हरे पात, गालियां कलियां कोमल गाल, ये सारी पुस्तकों को हम ऐसे जगाएंगे कि इनमें हमारा मन लगने लगेगा पढ़ने का, एक प्रत्युष मनोहर हमारे मन में जग जाएगा और हम अच्छे से पुस्तकों को पढ़ेंगे। इस प्रसंग में आप इनको ले सकते हैं। चलिए एक प्रश्न पूछना आप बताएंगे, मृदुल मतलब क्या होता है? मृदुल कोई बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, कोमल, कोमल बहुत अच्छा, मृदुल मतलब कोमल होता है। अच्छा मैं किसी एक का नाम बोलता हूँ, कोई उसको पढ़ के सुनाएगा इस कविता को। चलिए कौन पढ़ना चाहेगा इसको? दिव्यांशी सिंह सर, हम पढ़े। दिव्यांशी सिंह का नाम मैंने बोला, लेकिन दिव्यांशी सिंह, अच्छा कोई बात नहीं है। नंदनी पढ़ना चाहती थी, हैंड रेज किया था नंदनी, बताओ। यस सर, हाँ पढ़ के सुनाइए इसको। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। और आगे, हरे हरे ये पत्ते, डालियां कालियां, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इतना भाव आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो निद्रित कलियों का मतलब है आलसी लोगों से तात्पर्य है। तो कभी इन आलसी लोगों को जगाना चाहता है और उसमें आशा का और प्रेरणा का
और नई चेतना का संचार करना चाहेगा। ठीक है, प्रत्योष मतलब क्या होता है? प्रत्योष का मतलब आप समझ सकते हो सुबह, तो सुबह सुबह जो ऊषा काल होता है, सुबह 4-5 बजे का प्रातः काल होता है ना? बिल्कुल, प्रातः काल आप कह सकते हैं, सुबह को प्रातः काल ही बोलते हैं ना। पुष्प पुष्प से चंद्र आलस कीट लूंगा मैं, अपने नवजीवन का यानी पुष्प पुष्प यानी एक एक फूल से तंद्रालस यानी निद्रा वाला आलस, वह आलस से जो निद्रा के कारण आता है, तो फूल फूल से मैं उस निद्रा रूपी आलस को लालसा को खींच लूंगा मैं और अपने नव जीवन का व्रत सहर्ष छीन दूंगा और सहर्ष माने प्रसन्नता पूर्वक शीश दूंगा। नव जीवन का अमृत यानी नई चेतना का संचार, नई चेतना के संचार से मैं उनको सीख लूंगा। तो कहने का मतलब जितने भी उसका मतलब वो प्रत्येक व्यक्ति जो आलस्य से अवसाद से दुख से कष्ट से सोया हुआ है, उसको मैं उनके सारे दुखों को खींच लूंगा, सारी निराशाओं को खींच लूंगा और नव जीवन का अमृत हर सीख दूंगा यानी उनके अंदर आशा का संचार कर दूंगा। प्रेरित चंद्र आलस मतलब निद्रा रूपी आलस, चिंता रूपी निद्रा, निद्रा सर चिंता रूप नींद से अलसाया, नींद से अलसाया हुआ। बिल्कुल, तंद्रा मैंने होता है निद्रा, निद्रा से अलसाया हुआ। आगे द्वार 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 फिर सभी लोग अपना माइक ऑफ करके रखिए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मेरे जहां आनंद होगा, द्वार दिखा दूंगा यानी सफलता का द्वार दिखा दूंगा यानी मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक उन राह से भटके हुए लोगों को, मार्ग से भटके हुए लोगों को मैं राह नहीं दिखा दूंगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा, ये कवि का इसमें कहना है। तो अगर केंद्रीय भाव देखें कभी उन लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं जो अपने मार्ग से भटक चुके हैं, दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, उनको मार्ग पर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट के प्रश्नों का उत्तर आपको बता दूं, आपको स्वयं करना है, मैं लिख पाऊंगा नहीं प्रश्न को, और माइक ऑफ करके रखिए, आवाज नहीं आनी चाहिए माइक बिल्कुल आपको। चलिए हाँ, किसी को कुछ पूछना है इसमें अभी? किसी को कुछ पूछना है? सर इसके जो शब्द पीछे लिखे इसे कॉपी में लिख लेंगे? चलिए तो प्रश्न बता दो, उन्हें कॉपी में लिख लेंगे? बिल्कुल कॉपी में लिखना है जो मैं बता रहा हूँ और ऊपर लिख करके फोटो खींच के मुझे भेजना है। चलिए तो पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका कवि नहीं है? तो कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि उसका कवि नहीं होगा क्योंकि उसका मानना है कि अभी अभी उसके मन में मृदुर वसंत आया है, अर्थात अभी अभी उसके मन में कुछ नया करने की इच्छा जागृत हुई है, उसके मन में नई चेतना जागृत हुई है, कुछ करने की प्रेरणा जागृत हुई है, लोगों को उनका मार्ग दिखाने की इच्छा जागृत हुई है, इसलिए कवि कहता है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। यानी कविता के लिए मेरे मन में नए नए विचार आए हैं, नई नई तरंगे आई हैं। ठीक है, ये सब आप चीजें आप इसमें बना के लिख सकते हैं। तो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको आप दोबारा सुन सकते हैं क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, आप देख करके सुन करके इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न, गुणों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उसमें अपना स्वप्न रूपी हाथ फेरता है और उसमें अपने जीवन रूपी अमृत को सहर्ष से सींचता है। कहने का मतलब उनमें नई चेतना का विकास करने के लिए कवि वो सारे कार्य करता है
उपयोग कर सकता है, ठीक है, यानी उनका तंद्रालस पूछता है, उनमें अपना कोमल हाथ फेरता है और नवजीवन के अमृत से उनको सींचता है। अच्छा, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए अपने जीवन रूपी अमृत से उनको सहर्ष सींचना चाहता है, अर्थात उनमें नई चेतना का संचार करना चाहते हैं। चलिए, हाँ क्या पूछना चाहते हो सुबह अग्रवाल? शब्दार्थ लिखने हैं क्या? शब्दार्थ लिखने हैं? नहीं नहीं शब्दार्थ नहीं लिखने हैं, ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। कोई शब्दार्थ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मीनिंग समझ नहीं होगा। सर प्रत्युष क्या होता है? प्रत्युष का मतलब होता है प्रातः काल या सुबह। सर सुबह। सुबह, ओके सर। चलिए तो ये तीन प्रश्न हो गए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लिख लीजिए क्या, और कोई समस्या हो तो बताइएगा। चलिए आगे जाते हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? तो वसंत को ऋतुओं का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ऋतु में मौसम बहुत ही सुहावना होता है, न तो ज्यादा ठंडी होती है, न ज्यादा गर्मी होती है, न धूप होती है, न रातें बड़ी होती है, दिन बहुत बड़ा होता है, न लू चलती है, न शीतल हवा चलती है, चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, फसल पक कर के आ रही होती है, और उस समय किसान बड़ा प्रसन्न होता है। तो ये सारी चीजें जो है इस ऋतु को ऋतुओं का राजा बनाती है। तो इसकी चर्चा करना है, लिखना चाहे तो आप लोग उसको भी लिख लीजिए, ठीक है। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी, तो वसंत ऋतु में आने वाले जो प्रमुख त्योहार है, तो सबसे बड़ा त्योहार तो रक्षाबंधन। रक्षाबंधन नहीं आता वसंत में, वसंत में आती है होली। वसंत में होली आती है, रक्षाबंधन नहीं आता, तो बरसात में आता है ना। वसंत पंचमी होती है रक्षाबंधन। वसंत पंचमी, वसंत पंचमी अलग है, नाग पंचमी अलग है। वसंत पंचमी एक त्योहार होता है, उसके बाद महाशिवरात्रि होती है। तो इस इन प्रश्नों के उत्तर आपसे बन जाएंगे, कोई समस्या? नो सर। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। तो नो सर। इस पार्ट के प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके भेजिएगा, और मैं इसके बाद अगले पीरियड में जब भी लगेगा तो मैं इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यस सर। चलिए तो पूछिए नहीं बंद करें। सर 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 कविता से आगे दो ही क्वेश्चन करने हैं नोटबुक में। कविता से आगे कि बिल्कुल ऊपर के तीन कर ले, नीचे के अगर एक दो तीन है इसमें से अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो पहला दूसरा कर लीजिएगा। तीसरे में ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए इसको छोड़ दीजिएगा, इसको फिर बाद में बताएंगे आप, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा, ओके। हाँ बोलिए। यस सर। चंद करना है। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। कि दूसरे लोग अपने माइक ऑफ करके रखे, जिसको बोल रहा है वही अपना माइक ऑन करेगा। चलिए तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और अगर कोई समस्या हो तो बाद में पूछ लीजिए, ओके। यस सर। बाय सर। यस सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. Good afternoon, sir.